बताइए कि अपने गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है या आपका कोई भी गाड़ी है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो उसको आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे, मैं आपको आज बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। आप बस बने रहें इस वीडियो में लगातार, और मैं ओम झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल एक हिंदी। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप लगातार देख सके। तो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो आरसी हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे फिटनेस सर्टिफिकेट हो या टैक्स का सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट है, एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन की जाती है, एक यहाँ पर अकाउंट अगर क्रिएट कर लेंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप डिजी लॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैं आपको वो बताऊंगा, इसके बाद फिर आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो चले हम लोग डिजी लॉकर पर पहले अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाने के लिए डिजी लॉकर .gov.in पर आना होगा, जैसा कि ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं साइन इन साइन अप का, ठीक है। तो आपको नया अकाउंट बनाना तो साइन अप पर क्लिक कर देंगे, और जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं साइन अप और डिजी लॉकर, यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए हैं डिड यू नो, तो यहाँ पर बहुत सारी जो आपको कंडीशन देख सकते हो। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपका आपको अपने मोबाइल नंबर एक रजिस्टर डालना होगा, वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए क्योंकि आपके पर OTP जाएगा। तो चलो मैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और इसके बाद इंटर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले इसी मोबाइल पर एक OTP जाएगा, और इस OTP से मुझे वेरीफाई करना होगा। तो चलो मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। जैसे मैं OTP डाल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक यूज़र नेम बोलता है डालने के लिए, वो अपना आप या तो मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या कोई दूसरा अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर ही यूज़र नेम बनाऊँगा। इसके बाद सेट योर पासवर्ड, तो एक आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, और स्पेशल करेक्टर्स भी हो, और डिजिट भी हो, मतलब ऐसा सब कुछ मिलाकर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं सारी चीज़ें डालकर फिर से साइन अप पर क्लिक करूंगा, तो देखिएगा मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, योर डिजी लॉकर अकाउंट हैज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। लेकिन डिजी लॉकर को दोस्तों अच्छे से चलाने के लिए आपको आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक करना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ आई हैव डोंट आधार कार्ड, मैं बाद में आधार कार्ड ऐड करूँगा, तो मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। समझ नीचे क्लिक करता हूँ तो अकाउंट तो बन चुका है, सिर्फ अभी आधार कार्ड को ऐड करना बाकी है क्योंकि सारी सर्विसेज आधार कार्ड से ही यहाँ पर फेच होती हैं। तो मैं अपना आधार कार्ड बाद में अपडेट कर लूँगा। तो मैं आप जैसे करता हूँ तो वेलकम टू डिजी लॉकर, तो देखिए मुझे बोल रहा है कि आप डिजी लॉकर पर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, और वो मुझे डिजी लॉकर के ऑफिशियल पेज पर लेकर आ चुका है, मुझे वेलकम मैसेज दे रहा है। तो ये पॉपअप है, आप यहाँ पर सकते हैं इसको काट दें। जैसे आप इसको यहाँ पर काटते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए ऊपर नोटिफिकेशन प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई करना होगा। एक लिंक जाएगा आपकी ईमेल पर, और वो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो सेंड वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल पर जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और अपना ईमेल भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होगा। तो मैं अपना ईमेल डालता हूँ और इसके बाद वहाँ पर लिंक चाहता है जैसे, तो अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। चलो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ जो कि हमारा ईमेल है। तो ईमेल डालने के बाद ठीक यहाँ बोला कि आपकी ईमेल पर एक वेरीफिकेशन लिंक जा चुका है, आप उस पर क्लिक करके अपने ईमेल को वेरीफाई कर दें। तो मैं अपना जैसे चेक करता हूँ तो देखिएगा मेरे आ चुका है, और अब देखिएगा यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पूरा मिल जाता है जहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जैसे आपका ईमेल वेरीफाई होता है तो फिर से बोलता है कि आप अपना आधार कार्ड ऐड कर लें, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर दोस्तों इसको ऐड कर लें क्योंकि सारी सर्विसेज आधार से ही फेच होती हैं। जब तक अपना आप आधार कार्ड डालकर यहाँ वेरीफाई नहीं करेंगे, आपका जो डिजी मेल का अकाउंट है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आप सभी डॉक्यूमेंट्स फेच नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालकर इसको आई एग्री पर क्लिक करके वेरीफाई करवा देता हूँ। आपको याद रखना होगा अपना जैसे आधार कार्ड डालेंगे यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक आपका जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर जाएगा एक OTP, वो कि देखिए यहाँ पर बता देता है योर
आप प्लीज इंटर ओटीपी, इस मोबाइल नंबर पर गया है जिसके लास्ट अंक दिए हैं, तो ओटीपी जैसे वहां पर जाए यहां पर इंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डिजी लॉकर का अकाउंट सेट हो जाएगा, मैं सारा काम यहाँ पर कर पाऊंगा। तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड ये पहले से फेच कर लेता है। तो ऐसे आपको डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये आपका डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड गवर्नमेंट से अपलोड होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाएगा और ये पूरा प्रोसीजर होता है, ऐसे आपको डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लेते हैं तो आप ऐसा आपको दिखेगा डैशबोर्ड और यहाँ पर देखिए गेट मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करना होगा। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भारत सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री चलती है वो सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चलाती है, तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि यहीं से मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आप अगर डिजी लॉकर पर आपका अकाउंट है तो आप ये कितने सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल मतलब आरसी, व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और व्हीकल टैक्स रजिस्ट्रेटेड। तो सर मैं आज ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं आप बताने वाला हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट। सर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पार्टनर नेम पहले से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आ जाता है। डॉक्यूमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट नेम पहले से आपका होगा। दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप आधार कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम है वो और आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाए सब में नेम सेम होना चाहिए, तभी आप इसका डाउनलोड कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी गाड़ी का नंबर होगा वो डालना है और अपने पिताजी का नाम डालना और चेंजेस नंबर डालना है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले चेसिस नंबर डाल लेता हूँ, तो मैं चेसिस नंबर पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ, क्लिक करना होगा और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो फेचिंग डाटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स, तो जो भी डाटा है वो ओरिजिनल सोर्स से फेच किया जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी आपका फिटनेस सर्टिफिकेट देखिए आ चुका है, आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाता है, लेकिन आपको कोई कैसे दिखेगा, लेकिन आप बोलता है दिस लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। आपको इश्यूड डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले यदि फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट को। तो जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का ये देखिए आ गया, सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस इश्यूइंग अथॉरिटी कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। तो ये आपका पूरा डिटेल आ चुका है जो मैं हाइड कर रखा है, दोस्तों मैं हाइड कर दूंगा। तो ये आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आप बहुत ही आसानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो, और अगर आपको हाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज है उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।